फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योतिष ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी खूब अच्छी। दोस्तों, हो गया सुबह का आगाज और घड़ी में बज रहा है अभी सुबह का 9। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, और वो भी स्टार्ट कर रही हूँ मैं मेरे ससुराल से। तो कहाँ थी, कहाँ आ गई। तो दोस्तों, कल रात को हम 11 बजे आए हैं घर, और बता दीजिए एक मिनट। कल रात को हम लोग 11 बजे घर आए हैं, और आने के बाद कल मैं पूरे दिन आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर नहीं की थी। रीजन बस यही था थोड़ा सा कि मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। रीजन थोड़ा था लेकिन तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। मतलब पूरे ट्रेन में मैं कैसे सफर करके आई हूँ वो सिर्फ मुझे पता है। तो ब्लॉगिंग बिल्कुल आप लोगों के साथ मैं सूखा रूखा मुंह के साथ ब्लॉगिंग नहीं करना चाहती थी, और आप लोगों के साथ मैं फ्रेश होके ब्लॉग को स्टार्ट करना चाहती थी। इसलिए मैं ब्लॉग दी भी नहीं थी और की भी नहीं थी। तो आज का ब्लॉग मेरा कंटिन्यू हो रहा है दोस्तों ससुराल से। तो 9 बज रहा है सुबह का, अभी तक मेरा काम आगे नहीं निकला है क्योंकि रात को 2 बजे हम लोग सोए थे, और सोते सोते तो मतलब सुबह हो ही गया था। उठे हैं आज 7 बजे करीबन, और तो घर का काम वाम करते करते लेट हो गया। तभी फिलहाल सबको चाय दे दी हूँ, चाय पी ली है, और यहाँ पे पानी गर्म हो गया है बेटे के लिए, और अभी बेटे के लिए पोहा बन रहा है। बेटे के लिए थोड़ा सा पोहा बना रही हूँ क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं पोहा खाऊंगा। और मेरे साथ मेरी 2 बहनें आई हैं, आप लोगों को पता ही है। तो उन दोनों के लिए, 2 बहनें नहीं, एक बेटी है और एक बहन है, एक के लिए आलू काट के रखी हूँ। आलू का दम बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी। कल रात को मेरी सास पपीते का सब्जी बनाई थी, परवल आलू का सब्जी, रोटी मिठाई सब कुछ था। कुछ भी कोई नहीं खाया, पूरा रोटी यहाँ पे पड़ा हुआ है, देख सकते हो ये रहा रोटी पूरा पड़ा हुआ है। तो इन रोटी को भी मैं अच्छे से फ्राई कर दूंगी, मतलब फ्राई मतलब सेक दूंगी एक बार, और हस्बैंड को दे दूंगी, और मेरी बहन लोग पूरी खाएगी। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, पूरी वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनको पूरी मैं दूंगी भी नहीं। और अभी जैसे कि मैं पानी गर्म करने के लिए दी हूँ पतीले में, वो बेटे का है बॉयल पानी, तो इस हंडी में ढक दूंगी ताकि पानी जल्दी से ठंडा हो जाए। और उसमें मैं बनाऊंगी दूध गर्म करूंगी। तो दोस्तों, चाय वाय हम लोग सब पी लिए हैं, और यहाँ पर मैं भी आलू का दम बनाने के लिए आलू को फ्राई कर रही हूँ मसाले के साथ, और यहाँ पे आटा गूंथ के रखी हूँ, गूंथ बनाऊंगी। और मेरी छोटी वाली बहन को पपीता काटने के लिए बैठाई हूँ कि पपीता काट दे। और यहाँ पे साग है दोस्तों, तो साग बनाऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहो, क्या क्या हो रहा है आप लोग देखते रहो। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गए आप लोग के बीच में। मेरी बहन मसाला पीस रही है, मेरी बेटी जो है सब्जी बना रही है। तो क्या पीस पे सब्जी, चलो देख लो। आज बनेगा थानकुनी साग बनेगा, तो उसके लिए प्रॉन्स दी हूँ और प्याज दी हूँ, इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। और इसमें वो साग के साथ बैगन आलू काट के रखी हूँ, इसको इसमें जोड़ दूंगी, तो बन जाएगा मेरा साग का सब्जी। तो साग का सब्जी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और मेरे हस्बैंड जो है बर्तन कपड़े धो रहे हैं, बाथरूम में है, हो रहा है पीसा, हो रहा है। देखिए हाँ, हाथ लगाइए ना एक बार। ओके, और थोड़ा पीस। अच्छा, और थोड़ा पीस लेंगे। तो चलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ पूरा अपडेट देते रहूंगी आज का, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने बहुत दिन नाइंसाफी किया, अच्छे से ब्लॉग नहीं दे पा रही थी। तो आज से कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग, चलो आप लोग देखते रहो मेरा। तो दोस्तों, मेरा प्रॉन्स देखिए साग बन के एकदम रेडी हो गया है। अभी मैं इसको निकाल के उतार के रख लूंगी, और इसमें भी चावल चढ़ा दूंगी। और मेरे हस्बैंड गए हैं अभी मछली पकड़ने के लिए, तो कौन सा मछली लेके आते हैं चलो वो देखेंगे, और फिर मछली काटने के बाद ही बनेगा। एक मुर्गा भी है हमारे घर में, और यहाँ है पपाया का सब्जी जो कि मैं चढ़ा दी हूँ अपने अंदाज में। ये पक रहा है, इसमें सब मसाला दी हूँ, अदरक लहसुन जीरा हल्दी, और सॉरी जीरा ही तो नहीं दी हूँ, कोई बात नहीं, जीरा बिना जीरा का बनाऊंगी। तो ये रहा सब्जी, इसमें नमक हल्दी सब कुछ डल गया। अभी मैं थोड़ा सा जीरा भी डाल दूंगी, टोमेटो डाल दी हूँ। ये बनने के बाद दोस्तों मछली बनेगा, और अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के बाद आप लोगों से मिलते, तब तक के लिए बाय।
तो फिलहाल दोस्तों मैं एक तरफ सब्जी बना रही थी और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड और मेरी बहनें सब मिलके चले गए थे मछली पकड़ने के लिए। तो देख सकते हो आप लोग, मैं एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं नहीं गई थी पर मेरी बहन की थी, तो मैं उससे मांग के अपने वीडियो में ऐड की हूँ। तो छोटे वाले तालाब से मेरे हस्बैंड जाल फेंक के मछली पकड़ रहे हैं, मतलब मछली का जो जाल होता है वो फेंक के मछली पकड़ रहे हैं और पकड़ भी चुके हैं। तो देखा जाए कि कौन कौन सा मछली इस जाल में आया है। एक्चुअली में ये बात ये है कि मेरे हस्बैंड जब भी घर आते हैं तब भी मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़ने के समय मेरे को या मेरे बेटे को साथ में ज़रूर ले जाते हैं। पर आज ऐसा हुआ कि मेरे घर में मम्मी मतलब मेरी सासू माँ का तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मैं नहीं गई, मेरे हस्बैंड और मेरी बहनें और मेरे बेटे गए, बेटा गया है और एक मेरा देवर का बेटा जो आप लोग को दिख रहा है पीला शर्ट पहन के। तो इस ये जो छोटा सा तालाब है दोस्तों, मैं कैसे बताऊँ, मैंने जितना कि 6x7 का जो खटिया होता है बेड उतना ही बड़ा तालाब है, बट इसमें पानी का गहराई जो है ज़्यादा है और मछली बहुत ज़्यादा है। तो मैं बार बार आप लोग को ये वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ, देख सकते हो तो कितना बड़ा बड़ा इस जाल में मछली आया, करीबन दो ढाई किलो का तीन मछली आया था वो लोग बता रहे थे, और छोटे छोटे मछली 8-10 आया था। तो इतना मछली तो हम लोग खा नहीं पाएंगे, एक दिन में कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, और फ्रेश मछली खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो हमारे बड़े वाले तालाब में इसको छोड़ दिया गया है, और छोटा वाला मछली जो है उसको चारा पोना कहते हैं। इसमें एक्चुअली में कांटा ज़्यादा होता है बट मीठा लगता है कहते हैं लोग, मुझे इतना पता नहीं है, बट मेरे को उतना पसंद नहीं है छोटा मछली। बट ये मेरी बहन खाएगी बोली है, मेरे हस्बैंड खाएंगे बोले, इसलिए इस बकेट में भरा जा रहा है। ये जो मछली है बहुत बड़ा था, 2.5 किलो का करीबन था, जो कि बना के करीबन 20-22 पीस हुआ था इस मछली का। तो आप लोग समझ सकते हो कितना बड़ा मछली था। तो मेरी बहन ये खाएगी बोली, इसलिए मेरे हस्बैंड इसको लेके आए थे खाना, मतलब कि घर, और वही काटे थे और मैं बनाई थी। और मेरा बेटा को देख सकते हो आप लोग, मछली को फेंक दे रहा तालाब में, क्योंकि हम लोग सब मछली तो खाएंगे नहीं और सबको लेके आना घर अच्छा भी नहीं लगेगा, ये लोग तालाब में रहेंगे तो बड़ा हो पाएंगे। तो इसीलिए इसको वापस तालाब में डाल दिया गया, जो लेना है उसको लेके वापस घर में आए। दोस्तों मेरे हस्बैंड जो है मछली पकड़ने के बहुत बड़े शौकीन हैं, मतलब उनको मछली पकड़ना इतना चढ़ता है, उनका ये हॉबी ही है सोचा जाए तो, क्योंकि मछली की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ती है डेली, पर उनको मछली पकड़ना इतना ही अच्छा लगता है कि वो डेली जाल फेंकने की कोशिश करते हैं, पर मैं नहीं फेंकने देती हूँ, क्योंकि बार बार पानी में गंदे में उतरना पड़ता है, मतलब मिट्टी जो है दलदला है तो वो कपड़ा वगैरह गंदा हो जाता है, और बेटा भी ज़िद करता है उनके साथ जाने के लिए, तो वो भी गीला हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग का ये छोटा सा तालाब, आप लोगों को फिशिंग करते हुए मेरे हस्बैंड कैसे लगे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरे हस्बैंड घर आते के साथ ही मछली पकड़ने के लिए चले गए, और जो मेरी बहन जी है, बहन की बेटी है, दीदी की बेटी, उसके हाथ में कांटा भी लग गया, और इतना बड़ा मछली देख सकते हो। उन लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं जो साथ में आए हैं, क्योंकि लाइफ में उन लोगों ने पहले कभी मछली को पकड़ते हुए और हाथ के साथ अनुभव नहीं किया। सभी मछली हस्बैंड पकड़ के लेके आए तालाब से, और दांत को एकदम खींच खींच के काट रहे हैं, देख सकते हो। इतना सारा फिश। बैठो, मैं माटी देके लेकर ना। आ देख सकते हो छोटा छोटा फिश भी है, पता नहीं ये कल बनेगा शायद। बस हो गया फिश कटा। हेलो फ्रेंड्स, आ गए आप लोगों के बीच में। तो नहा वहा के आ गई, और मेरे हस्बैंड, मैं नहा रही थी तब तक मेरे हस्बैंड बड़ा वाला जो मछली वो काट भी दिए। तो आप लोगों से बड़ा मछली तो शेयर नहीं कर पाई, लेकिन पिक शेयर कर दूंगी। छोलोटा बनी दे, छोलो बनाना, मास्टर माथा दुटो देखे दो, पेटी दुटो देखे दो, बारह पीस ही बनाओ, बारह ना गो 14 पीस, खाली माथा बात दे दो, बाकी सब बनी दाओ। तो अभी हम लोग बना रहे हैं मछली, फ्राई कर रहे हैं, सब पर गिन गिन के कर रहे हैं। तो चलो आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा दी। दोस्तों मछली एकदम भुन रहा है अपने स्टाइल में, और यहाँ पर चावल बन के रेडी है, यहाँ पे पपाया का सब्जी बन के रेडी है, साग भी नीचे है, प्याज काट के रखी हूँ, मछली में डालूंगी, यहाँ पे फिश फ्राई करूंगी, ये सब मछली को फ्राई करके रखती हूँ, उसके जैसा ग्रेवी बनाऊंगी, वो भी सहजन और आलू के साथ बनाऊंगी, वहाँ पे सहजन आलू काट के रखी हूँ। खाना बना लेती हूँ फिर आप लोगों के बीच आती हूँ, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा, सबको भूख लग जाएगी और सबको टाइम पे खाना भी देना है। तो चलो खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों मेरा फिश फ्राई हो गया है, ये देख सकते हो, फिश फ्राई करके यहाँ पर रख ली हूँ, इतना सारा यहाँ पे तेल बच गया था, उसको अलग से निकाल के रख ली हूँ। फिर दोस्तों मैं
वो जो सहजन था उसको देके, आलू देके, टोमेटो देके, मिर्ची देके, प्याज देके, सब देके चढ़ा दी हूँ, अदरक लहसुन पेस्ट देके, और मछली का जो तेल था दोस्तों उसको भी इसमें ऐड कर दी हूँ ताकि इसमें वो पक जाए मसाले के साथ। यही होगा, मछली का झोल टाइप का बनाऊंगी, झोल टाइप का नहीं, झोल ही बनाऊंगी, उसमें जीरा ऐड नहीं कर रही हूँ, जीरा नहीं दूंगी, सिर्फ अदरक लहसुन और प्याज देके बनाऊंगी हल्दी नमक डाल के। ये बनने के बाद इसमें अंडा फ्राई कर दूंगी और बेटे को खिलाऊंगी, बस उसको पकने का दे दिया मेरा, पक जाए बस। तो हम लोग ना, तो हम लोग का दोस्तों लंच होगा सलाद, मछली का झोल और ये साग चाहिए, मछली का झोल, साग और पपाया का सब्जी, और बस इतने होगा, अंडा का ऑमलेट होगा। तो चलो दोस्तों, लंच करने के बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी, फिलहाल अभी बेटे को खिलाऊंगी, इसे जल्दी जल्दी बना रही हूँ, मिलती हूँ बाद में। हेलो फ्रेंड्स, मिलने आ गई आप लोगों से शाम को, और शाम का भी बज रहा है घड़ी में 5:20, तो अकेले ही पैदल चल रही हूँ, तो सब कोई कहाँ गए, तो सब कोई गए घूमने के लिए मुझे अकेले छोड़ के, मतलब दुखियों के लिए बोल रही हूँ, एक्चुअली वो लोग गए हैं घूमने के लिए, मैं तो बहुत बार गई हूँ घूमने, तो उन लोगों को लेके गए, तो मैं सोची इस मौके का फायदा उठा लिया जाए। मैं सो के उठी, उठने के बाद वो लोग तैयार हो गए, मैं घर का काम कर ली, झाड़ू वाड़ू लगाना, कपड़े समेटना, उसके बाद मैं निकल पड़ी घूमने के लिए, मतलब इवनिंग वॉक के लिए। तो आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ यहाँ का साइड का जो नज़ारा है, वो सूरज एकदम ढल रहा है, और दोस्तों जो खेत है इस साल इतना पानी ना होने की वजह से बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है, हर जगह जो पेड़ है वो सब सूख गया है, वैसे भी सीजन चला गया इन सब का, तभी कुछ नया प्लांट्स या फिर नया कुछ क्रॉप वगैरह उगाया जाएगा, मुझे इतना नहीं पता है। देख सकते हो कॉलीफ्लावर, कैबेज ऐसे पड़ा हुआ है, प्रिंजल लगा हुआ है खेत में, और मैं इस पैदल वाले रास्ते से, मतलब ये वाला जो कच्चा रास्ता है, इससे ही होते हुए घर जा रही हूँ, फिर से घर नहीं और थोड़ा आगे निकलने का सोच रही हूँ, तो ऐसे ही करते रहूँगी, घूमते रहूँगी, घूम के ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाऊंगी, और उसके बाद सीधा हम घर घुसूंगी, घर घुसने का डिनर की तैयारी करूँगी, तो डिनर में क्या बनता है वो देखा जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी जाना है हम लोगों को छोटे से शॉप में, एक छोटा सा ही शॉप है, मतलब छोटा नहीं, ग्रॉसरी शॉप है, छोटा नहीं बहुत बड़ा ही है, मतलब मेरे हिसाब से, तो उसी में जाएंगे, तो उससे कुछ कुछ दाल वगैरह लेंगे अपने पसंद का, वो सब लेके आऊँगी, और उसके बाद फिर खाना वाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो फिलहाल मैं ऐसे घूम रही हूँ, इसलिए मैं सोची एक बार कैमरा ऑन करके दिखा देती हूँ मेरे बैक साइड का सीन जो क्रिएट हो रहा है इधर उधर जंगल वगैरह, कि हमारा तालाब है बहुत बड़ा है, आप लोग शायद देखे थे पिछले ब्लॉग में, वो तो तालाब हमारा है, तो मैं अकेले तो इतने दूर जाऊंगी नहीं उस तालाबों के पीछे, तो उस जंगल के पीछे, क्योंकि वहाँ पे हमारा खेत और जगह जमीन जो भी वहीं है, और भी हुए है इधर उधर मुझे नहीं पता उतना, तो उधर नहीं जाऊँगी, एक दिन आप लोगों के साथ वो वाला शेयर करूँगी सीन। तो फिलहाल मेरा देवर जो वो मुझे देख रहा है इतने दूर से, सोच रहा है क्या कर रही है कैमरे के साथ, तो ऐसे घूमती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से शाम में, तब तक के लिए बाय। अभी ये लोग आ गए घूम के, और घूम के लेके आए थैले भर सब्जी साग, अच्छा बेल आ गया मेरा, बेल लेके आए ये लोग तीन, अच्छा ठीक, ये रहा भिंडी, और क्या है ये पत्ता गोभी, और फूल गोभी, और करेला, और रोल लेके आए, तो ये रोल खाएगा, इसको दे दो रोल, ले खा, और अभी मछली भी लेके आए हैं, तो मछली का पता नहीं क्या बनेगा, मछली आज बनेगा ये कल बनेगा, पता नहीं आपको बता क्या बनेगा, कब बनेगा मछली, जब आपका मन करेगा तब, मेरा मन करेगा, मेरा क्या मन, फिर से आ गए आप लोग के बीच में, और अभी बज रहा है घड़ी में 7:30, तो दोस्तों भिंडी का सब्जी भी बन रहा है, भिंडी का सब्जी बनेगा और रोटी बनेगा, और मेरी वहाँ बहन जो है वो प्याज काट रही है ना, हाँ प्याज काट रही है, क्योंकि प्याज का हम लोग सावन में थोड़ा सा बचा हुआ, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, तो आज के डिनर में हमारा बहुत ही लाइट रहेगा, जैसे
रोटी और भिंडी आलू का सब्जी रहेगा सिर्फ, और चावल फ्राई रहेगा जो कि ये लोग खाएंगे तो मैं भी खाऊंगी। मैं चावल फ्राई कभी भी नहीं खाई हूँ, मतलब बहुत दिन हो गए, मैं बहुत लॉन्ग टाइम से चावल फ्राई नहीं खाई, तो ये बनाएगी तो मैं जरूर खाऊंगी इसके हाथ का। आप लोगों को पता ही, मेरे को इसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, तो पसंद आता है मतलब खा रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ। तो दोस्तों मिलती है आप लोगों से बाद में, सब तक के लिए बाय।